गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा ना। महादेव, महादेव, सत श्री अकाल। ठीक है, मैं भी अच्छा हूँ। आवाज और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? सब कुछ ठीक है कि नहीं? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर क्लास को शुरुआत किया जाए ना। जितने भी लोग हैं, शुभारंभ किया जाए, शुरुआत। हाँ, सब कुछ सही है ना। चलिए, जो लास्ट क्लास आपकी थी, लास्ट क्लास में जो है चर्चा हो रही थी भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के रेफरेंस में। और जैसा कि मालूम है कि शुरू के 5-10 मिनट जो है आपको रिवाइज करता हूँ मैं, जो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया है ना। महादेव जी, महादेव, बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए इस वीडियो का शुभारंभ आपका किया जाता है ना। चलिए, थोड़ा सा कल के टॉपिक को साथ में लेते हुए चला जाए, ताकि जो है आप थोड़ा सा बैकअप आप लोग में आ जाए कि कल आपने क्या पढ़ा था ना। भारत के राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो रही थी, और भारत के राष्ट्रीय उद्यान के रेफरेंस में हमने आपको बताया था कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बिना किसी रोक टोक के वन्य जीवधारी और वनस्पतियां ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, ऐसे क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं, है ना। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में कुल 105 अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या होगी, नेशनल पार्क होंगे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण, जय महाकाल, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की कल मैंने चर्चा की थी। और किन की चर्चा की है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो चुका है, जम्मू कश्मीर के बाद आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, है ना, फिर बिहार है, झारखंड है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे सिक्किम का क्षेत्र है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, है ना। इन सब पे आपकी कल चर्चा हो चुकी है। सरसरी निगाह से कौन कौन से हैं, तेजी में इसको पूरा कर लिया जाए। जम्मू कश्मीर की बात करिएगा तो जम्मू कश्मीर में हमने आपको दो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हमने बताए थे। एक तो आपका था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, लोकेशन जम्मू कश्मीर में, और एक आपका यहाँ पे था दचीग्राम अभयारण्य, भी आपका पड़ता है श्रीनगर में। और प्रसिद्ध किस लिए होगा तो बारहसिंघा के लिए फेमस है, या हंगुल के रूप में फेमस, हंगुल के संरक्षण के लिए जाना जाता है, या कश्मीरी स्टैग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एक और हमने यहाँ पे बताया था जम्मू कश्मीर में ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा हुई थी, और इसके बारे में कहा गया था कि यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक है, बारहसिंघा के संरक्षण के लिए फेमस है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आ जाइए तो हिमाचल प्रदेश में हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान था और एक शिकारी देवी वन्य जीव विहार क्षेत्र था। दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि शिकारी देवी वन्य जीव विहार क्षेत्र आपका पड़ता है मंडी, मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। दो आपके हिमाचल प्रदेश में हो गए, तीन आपके जम्मू कश्मीर में हो गए। उत्तराखंड की बात करिएगा, उत्तराखंड में आपका सबसे महत्वपूर्ण था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करिएगा तो वो कुछ गलत हमने बता दिया था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हमने आपको बताई थी 1937, है ना, 1937 में स्थापना इसकी बताई थी, जबकि वास्तविकता में जो है ये 1937 में नहीं स्थापित हुआ था, बल्कि स्थापना जो है 1937 में बताया था, लेकिन 37 में नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये स्थापना आपकी 1935 में है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, कहीं कहीं 36 भी लिखा है तो उसके लिए कंफ्यूज मत रहिएगा, है ना। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसे आरंभ में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पुकारा जाता था। विशेषता क्या है? विशेषता इसकी यह है कि यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अंग्रेजों के समय में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पड़ता है? नैनीताल, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद इसी स्थान से 1973 में, 1973 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ माना जाता है। और तब से लेकर अब तक, मतलब वर्तमान समय में, लगभग 50 अभयारण्य ऐसे हैं जहां पर
टाइगर्स का रिजर्वेशन किया जाता है, इनका आरक्षण किया जाता है, जिसमें से तीन हमने नवीनतम हमने आपको बताया था। एक आपका 48 नंबर पे था राजाजी उद्यान, 49वें नंबर पे औरंग पक्षी विहार था जो कि कहाँ पे है, असम में है, और एक आपका था कुमलांग वन्य जीव विहार क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो इस पे कल हुआ था जिम कार्बेट के अलावा, जिम कार्बेट के अलावा एक आपका आता है जिसका नाम है, हाँ जिम कार्बेट के अलावा राजाजी उद्यान है, हरिद्वार में स्थित है। इसके अलावा गोविंद पशु विहार, मालन पशु विहार और नंदा देवी विहार क्षेत्र, यह तीनों ही उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण विहार क्षेत्र होंगे। जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करिएगा, उत्तर प्रदेश में देश का केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसे आप क्या कहते हैं जिम का सॉरी हाँ जिसे आप कहते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। इसके अलावा चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, और कछुआ वन्यजीव विहार क्षेत्र आपका पड़ता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये तीनों ही आपके कहाँ पे होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद और पूरा में चलिएगा तो बिहार का क्षेत्र आता है। बिहार में तीन हमने आपको कल बताए थे, बिहार में तीन कल हमने आपको बताए थे। एक तो हमने बताया था गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गौतम बुद्ध पक्षी विहार बोधगया डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी चीज राजगीर अभयारण्य राजगीर में है, और एक आपका था भीमपंथ अभयारण्य जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो ये तीन आपके बिहार क्षेत्र से हो गए, बिहार राज्य से हो गए। झारखंड में आइएगा, झारखंड में क्या स्थिति है, झारखंड में एक पक्षी विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताया होगा, बेतला पक्षी विहार है ना। झारखंड राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी विहार है जिसका नाम है बेतला पक्षी विहार, झारखंड में। इसकी लोकेशन है एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है। झारखंड के पूर्व में चलिएगा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में हमने आपको दो बताए थे, एक बुक्सा टाइगर्स रिजर्व, बुक्सा हाँ बुक्सा टाइगर्स रिजर्व है, टाइगर संरक्षण के लिए आपका है, और एक हमने बताया था सुंदरवन टाइगर्स रिजर्व, ठीक है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। सिक्किम में आइएगा तो सिक्किम में कंचनजंगा वन्यजीव विहार क्षेत्र आपका था। असम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, असम से कई चीजें हमने आपको बताई थी। असम का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका अभयारण्य है कांजीरंगा, कांजीरंगा अभयारण्य असम राज्य में स्थित है, असम के जोरहट जिले में स्थित है, और यह जो है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जोरहट डिस्ट्रिक्ट में स्थित कांजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा असम में ही आपका एक था मानस अभयारण्य, मानस अभयारण्य की लोकेशन बारपेट डिस्ट्रिक्ट में थी। गरम पानी अभयारण्य जो कि आपका दिफू डिस्ट्रिक्ट में था, और एक आपका था सोनाई रूपा अभयारण्य जो कि यहीं पे था तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में था, है ना। हाँ जल्दापारा वन्यजीव विहार क्षेत्र भी आपका पड़ता है, वेस्ट बंगाल में है, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, तीन कर लीजिएगा, सुंदरवन कर लीजिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व कर लीजिएगा, और जल्दापारा वन्यजीव विहार क्षेत्र ना, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, कल शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। जलदापारा वन्य जीव विहार क्षेत्र है ना, लोकेशन इसकी वेस्ट बंगाल में है। सिक्किम हो गया, असम में चार हमने बता दिए। अरुणाचल प्रदेश में आइएगा, अरुणाचल प्रदेश में दो हमने बताए थे, एक तो आपका आता है टीरू देवमाली अभयारण्य जो कि कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा आपका था नामदफा वन्यजीव विहार क्षेत्र जो कि तिरप डिस्ट्रिक्ट में है। दो आपके हो गए। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड का क्षेत्र है, यहाँ पे इंटा गार्की शायद संभवता था, यहाँ पे एक पार्क हमने बताया था, और एक लास्ट में यहाँ पे जो दक्षिण में आइएगा तो यहाँ पे मिजोरम का क्षेत्र है, और मिजोरम में एक आपका आता है डम्फा अभयारण्य जो कि आइजोल में स्थित है, मिजोरम राज्य में स्थित है। तो अभी तक 3, 4, 3, 7, 4, 11 11 राज्यों की हमने अध्ययन कर लिया है, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है इनकी विशेषताओं से आप परिचित हो गए हैं, ठीक है। अब जो है दक्षिण भारत का पोर्शन बच रहा है और उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र आपका बच रहा है। ये आपका रिव्यू था, बैकअप था। अब एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सब चीज ओके है कि नहीं है, इसके बाद हम दक्षिण भारत में चलते हैं, ठीक है। एक बार हर हर महादेव बोल दीजिएगा, है ना, हर हर महादेव बोलकर शुभारंभ किया जाए। नागालैंड में एक हाँ अभयारण्य बताए थे, एक ही था नागालैंड में, महादेव के उद्घोष उद्घोष कर दीजिए एक बार, हर हर महादेव, सब कुछ सही है, वेरी गुड, बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव ना।
माँ अन्नपूर्णा सबका नाम लीजिएगा, ताकि बिना किसी रोक टोक के, यह वीडियो आपका जो है क्या हो सके, संपन्न हो सके। चलिए, मतलब सब चीज ओके है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र आपका हो चुका है महादेव जी। पश्चिम बंगाल का आपने अध्ययन किया था, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में आइएगा, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में आइएगा तो आपका उड़ीसा का क्षेत्र आता है ना, उड़ीसा। उड़ीसा में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, इसको देख लिया जाए। उड़ीसा, उड़ीसा की बात करिएगा तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सिमलीपाल अभयारण्य है ना, सिमलीपाल। एक आपका सिमलीपाल अभयारण्य है, सिमलीपाल अभयारण्य के बाद एक आपका आता है नंदन कानन। वन्य जीव विहार क्षेत्र, सिमलीपाल अभयारण्य, नंदन कानन, वन्य जीव विहार क्षेत्र। इसके बाद एक आपका है सतकोसिया जार्ज, सतकोसिया जार्ज अभयारण्य। और एक आपका है भीतर कनिका अभयारण्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य में हमने आपको चार बताए हैं, सिमलीपाल अभयारण्य है, नंदन कानन वन्य जीव विहार क्षेत्र है, इसके बाद आपका सतकोसिया जार्ज अभयारण्य है, और एक आपका आता है भीतर कनिका अभयारण्य। सिमलीपाल का डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, बाकी तो डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर ज्यादा आपको उत्कंठा है कि कहाँ पे है तो आप इसको सर्च कर लीजिए, क्योंकि तीनों के, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तीनों का लोकेशन मुझे नहीं मालूम है। उड़ीसा में ये चीज मालूम है, लेकिन पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट में ये मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप गूगल पे आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। एक बार जो है सिमलीपाल की लोकेशन पूछी गई है, उड़ीसा के किस राज्य में है, वेरी गुड। तो ये आपका पड़ता है मयूरभंज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ना, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। और ये जानिएगा कि अगर उड़ीसा से अगर कोई पूछा जाता है अभयारण्य, तो सिमलीपाल ही ज्यादा पूछा जाता है, बाकी कोई विशेषता बहुत ज्यादा नहीं है, मैचिंग करने के लिए आपको दिया जाता है। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो आपका है सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, मैचिंग करने के लिए आपको दिया जाता है। चार अभयारण्य एक तरफ, चार राज्यों का नाम एक तरफ, कहेगा मिलान करिए कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा से कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। नंदन कानन वन्य जीव विहार क्षेत्र, सतकोसिया जार्ज अभयारण्य और भीतर कनिका अभयारण्य, ये तीनों भी इसके साथ आपके इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, भीतर कनिका अभयारण्य एक फेमस है आपका, इसलिए भीतर कनिका अभयारण्य में एक कछुआ की प्रजाति है ना, आली रिडले, कछुआ की एक प्रजाति है आली रिडले, आली रिडले नामक कछुआ की प्रजाति है, और भीतर कनिका अभयारण्य इस कछुए की प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति का संरक्षण निम्नलिखित में से किस अभयारण्य क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन में चार अभयारण्य का नाम देगा, जिसमें से एक रहेगा भीतर कनिका और बाकी तीन अन्य रहेगा, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आलिव रिडले के प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रोफेसर दिव्या कर्नाड को एक पुरस्कार दिया गया था, शायद संभवतः आपको चर्चा हुई है ना, उड़ीसा के कलिंग विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, कलिंग विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है डॉक्टर दिव्या कर्नाड, सॉरी दिव्या कर्नाड है ना, इनको जो है आलिव रिडले के संरक्षण के लिए एक पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको कल क्लियर कर दूंगा ना। नेचर अवार्ड करके कुछ है सर ना, कंजर्वेशन ऑफ द नेचर अवार्ड संभवता है, अब ये एग्जैक्ट मुझे नहीं नाम याद आ रहा है।
हाँ, तो कलिंग विश्वविद्यालय की डॉक्टर दिव्या कर्नाड है, इनको ये पुरस्कार दिया गया था आलिव रिडले नामक कछुआ की प्रजाति के संरक्षण के लिए। और ये इसका संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो भितरकनिका अभयारण्य उड़ीसा में, है ना। तो इसको आप एक स्क्रीन काट लीजिएगा, फिर आगे चला जाए। सिमलीपाल अभयारण्य, मयूर भंज, नंदन कानन, सतपुड़िया जाट, भितरकनिका, ठीक है। चलिए, इसका आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखिए, उड़ीसा में आप आ गए। उड़ीसा के बाद चलिए, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में आइएगा तो झारखंड का हिस्सा है, झारखंड के पश्चिम में आइएगा तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता है। और छत्तीसगढ़ में केवल एक आपको हम बताएंगे जहां से एग्जाम में आपसे पूछा जाने की संभावना ज्यादा होगी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती वन्यजीव विहार क्षेत्र है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, इंद्रावती वन्य जीव विहार क्षेत्र। इंद्रावती वन्य जीव विहार क्षेत्र की लोकेशन छत्तीसगढ़ में है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके अभी बताइएगा ना। इंद्रावती किस नदी की सहायक है, नदियों का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, है ना, काफी डिटेल में आपने पढ़ा है। इंद्रावती किस नदी की सहायक है, इंद्रावती वन्यजीव विहार की लोकेशन जो है छत्तीसगढ़ में है, और इसी नदी के नाम पे इस वन्यजीव विहार का नाम रखा गया है। कनेक्टिविटी है कि नहीं भाई, आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। इंद्रावती किस नदी की सहायक है, वेरी गुड, खुशी कुशवाहा, ये आपका जो है गोदावरी की है ना, गोदावरी की सहायक नदी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। और इस नदी के ऊपर एक हमने आपको जलप्रपात का नाम बताया होगा जिसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात की लोकेशन जो है चित्रकूट जलप्रपात की लोकेशन जो है इसी इंद्रावती नदी पर है ना। और ये भारत का सबसे सुंदरतम जलप्रपात का माना जाता है, सबसे सुंदर स्थान का लिए भारत का है। इसके सुंदरता की तुलना आपने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल, यह नियाग्रा वाटरफॉल भी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। भारत के रेफरेंस में देखा जाए तो चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में, सुंदरता के आधार पे इस चित्रकूट वाटरफॉल की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, वो नियाग्रा वाटरफॉल से की गई है। और सुंदरता के आधार पर चित्रकूट को आप भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज्यादा होती है। चार जलप्रपातों का नाम देगा, धुआंधार जलप्रपात देगा, है ना, और उसके बाद आप कपिलधारा जलप्रपात देगा, हुंडरू घाग देगा और चित्रकूट देगा। कहेगा निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, तो उत्तर आपका क्या होगा, चित्रकूट वाटरफॉल। फिलहाल चर्चा आपकी हो रही थी छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण आपके अभ्यारण है इंद्रावती वन्यजीव विहार क्षेत्र को ध्यान रखिएगा, इसके अलावा यहाँ से आपका नहीं बनता है कोई क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में आएगा, छत्तीसगढ़ से अलग हुआ एक अन्य राज्य था जिसका नाम था मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करिए तो मध्य प्रदेश से भी आपके कई क्वेश्चन आपके बनते हैं, कई अभ्यारण्य आपको मिलेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश का है, सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। इस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है मांडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, मांडला एवं
बालाघाट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला एवं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद एक आपका आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन जो आपकी पड़ती है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की जो लोकेशन आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर एक जिला आपका पड़ जाएगा आपका शहडोल, है ना, शहडोल डिस्ट्रिक्ट एमपी में इसकी लोकेशन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों ही आपको एमपी में इसकी लोकेशन है, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे और दोनों आपसे पूछे जाते हैं, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए, ये आपका प्रसिद्ध टाइगर्स मतलब भारतीय शेरों के कंजर्वेशन के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है, संरक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद दो ही आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे और कोई भी होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वह यहाँ ज्यादा आपका पूछा आता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिम में आइएगा तो ये आपका हिस्सा गुजरात में आइएगा, गुजरात, गुजरात की बात करिएगा तो गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण चीज, गुजरात में जूनागढ़ जिले में एक आपका अभयारण्य पड़ता है, इसका नाम है गिर अभयारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो गिर अभयारण्य से ही पूछा जाता है। गिर अभयारण्य की लोकेशन गुजरात राज्य में है, पर्टिकुलर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशन होगी, जूनागढ़ जिले का नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गिर की अगर होगी तो ये आपका एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिर अभयारण्य एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से संभावना आपकी जो है पूरे भारतवर्ष में, है ना, संपूर्ण भारतवर्ष में एशियाई शेर या कह लीजिए बब्बर शेर, है ना, एशियाई शेर या बब्बर शेरों का संरक्षण का एकमात्र कहाँ पे संरक्षण होता है तो वो आपका गिर में होता है। गिर के अलावा कहीं भी एशियाई शेर या बब्बर शेर का संरक्षण नहीं होता है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी अन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका सरिस्का हो, चाहे कान्हा हो, चाहे सुंदरवन हो, चाहे बुक्सा, जितने जगह आपका टाइगर्स का संरक्षण किया तो वो भारतीय शेर है, लेकिन एशियाई शेर या बब्बर शेर का संरक्षण केवल एक जगह पे होता है, वो आपका गिर अभयारण्य है। इस चीज को आपको ध्यान देने वाली बात होगी। दूसरी चीज, पूरे भारत में जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पूरे भारतवर्ष में केवल एक जगह जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है, वो कहाँ पे किया जाता है तो आपका गिर अभयारण्य है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात राज्य में। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि दो विशेषताएं होंगी, एशियाई संरक्षण, एशियाई जो बाघ आपके हैं बब्बर शेर है उनका संरक्षण का प्लेस है, और साथ ही साथ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य, इसके अलावा कहीं भी जंगली गधे आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद गुजरात के बाद आइएगा तो थोड़ा सा उत्तर बढ़िए, गुजरात के उत्तर में राजस्थान का क्षेत्र आता है। पहले इतना काम करिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर राजस्थान चलते हैं ना। चलिए, बहुत लोगों ने आपने कमेंट किया है, क्या है जरा इसको देख लिया जाए ना। यूपीएसआई के लिए भी यह काम आएगा, बिल्कुल। यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी बीएड कह लीजिए, यूपी टेट कह लीजिए, जहां पर जीएस है, जहां पर जीएस है, जहां पे भूगोल है, आप वहां का पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए पर्टिकुलर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आने वाले हैं, जहां जीएस है वहां पर भूगोल है, और जहां भूगोल है आपके ये नोट्स आपके लिए मुझे लगता है कि आना चाहिए, बाकी अदरवाइज आप तो खुद नोट्स बनाए हैं,
आप पेपर चालू करते होंगे पिछले 8-10 साल का पेपर उठा के देखिएगा क्या क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं कि नहीं, आप खुद ब खुद इसका आकलन करिए कि ये नोट्स आपका यूपीएसआई के लिए है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल खुद पेपर चालू करके देखिए, खुद ब खुद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। हाँ ओके, और क्लास आपकी मिल जाएगी इस चैनल में, बिल्कुल आपका सब प्लेलिस्ट में सब जितने इससे पहले जितने क्लासेस हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी की एक श्रृंखला चल रही है ना, इंडियन ज्योग्राफी की एक सीक्वेंस बना हुआ है, और ये क्लासेस आपके जो है अगस्त महीने से चल रहे हैं, लगभग लगभग धीरे धीरे आपका जो है दूसरा तीसरा महीना है जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 50% कोर्स आपने कंप्लीट भी कर लिया है ना, तो सब आपको मिल जाएगा। सब प्लेलिस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हुई एकदम। सर आंसर देते हैं नहीं, सर आंसर नहीं देते हैं क्या, कमेंट ही नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब जब हमारा ध्यान बोर्ड की तरफ रहता है तो जो कमेंट्स आपके आते हैं वो इतनी तेजी से आते हैं ना कि उसको पढ़ना एक बार में, या तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा या फिर मैं बोर्ड की तरफ ध्यान दूंगा, अगर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो फिर आपका यहाँ पे आना कोई मतलब रहेगा नहीं। कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ लेकिन बीच बीच में, जैसे इस समय पढ़ रहा हूँ, बीच में अगर 1-2 मिनट का समय मिल जाता है तो सारे कमेंट्स के ऑलरेडी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ ना, तो उसके लिए परेशान मत होइए। हाँ तो आइए अपने टॉपिक पे आ जाइए। जैसे चर्चा हो रही थी कि जो भारत के इतने राज्यों के बारे में जो महत्वपूर्ण अभयारण्य है, इसके साथ आपने इसका ले लिया होगा ना, तो राजस्थान तक आप पहुंच गए थे, राजस्थान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। राजस्थान, राजस्थान की बात करिएगा, तो राजस्थान में आपको सबसे पहले मिलता है कौन सा भाई, हाँ सर इसका अभयारण्य, सर इसका अभयारण्य है, दूसरा आपका है रणथंबोर टाइगर्स रिजर्व, सर इसका अभयारण्य रणथंबोर टाइगर्स रिजर्व, और एक आपका आता है केवला देव, केवला देव घाना पक्षी विहार, है ना। ये तीन अभयारण्य क्षेत्र हैं और तीनों ही अपने आप में भीष्म पितामह हैं, कह सकते हैं भीष्म पितामह, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी की अपनी अपनी जो है कुछ विशेषताएं हैं। हमेशा एग्जाम में पिछले 8-10 साल का पेपर देखिएगा तो हमेशा इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केवलादेव घाना पक्षी विहार पूछा जाता है। केवलादेव घाना पक्षी विहार की लोकेशन भी कई बार पूछी गई है, और इस पक्षी विहार इसके इसके बाद तो केवला देव घाना पक्षी विहार कह लीजिए, या इसको कहीं कहीं पे केवला देव हटा देता है, क्यों देता है घाना पक्षी विहार। पूछता है घाना पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, चार राज्यों का नाम देगा, एक राजस्थान रहेगा, बाकी तीन अन्य रहेगा, तो केवला देव घाना पक्षी विहार कह लीजिए या घाना पक्षी विहार कह लीजिए, या कभी कभी जो है इनकी लोकेशन पूछ दी जाती है किस जिले में है पर्टिकुलर, तो राजस्थान के, सॉरी राजस्थान के भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है केवलादेव घाना पक्षी विहार की लोकेशन है, और इसकी विशेषता क्या है, भारत का एकमात्र पक्षी विहार जहां साइबेरियन सारस की, मतलब इस पक्षी विहार को साइबेरियन सारस का शरण स्थली भी कहते हैं। पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र पक्षी विहार जहां साइबेरियन सारस आते हैं, है ना, तो यह क्षेत्र आपका जो है साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है, साइबेरियन सारस का कंजर्वेशन, जब हम लोग के यहाँ जब सॉरी साइबेरिया आपका कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है,
एशिया में भी अगर देखा जाए तो रूस का पूर्वी हिस्सा, भाई आपको मालूम है कि रूस जो है वो ऐसा देश है जो कि दोनों महाद्वीप में पड़ता है। रूस का पश्चिमी हिस्सा यूरोप महाद्वीप में, पूर्वी हिस्सा एशिया में है, और रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहा जाता है। बहुत ही ठंडा प्लेस है साइबेरिया, आपका बहुत ही ठंडा प्लेस है। और आपको मालूम है कि विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान आपका पड़ता है बर्फो यास्क, है ना? विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फो यास्क है, कहाँ है? तो साइबेरिया का पार्ट है। साइबेरिया से कुछ पक्षी जो है उड़ के आते हैं, और कहाँ पे आके रुकते हैं, ठहरते कहाँ पे हैं? तो भारत में राजस्थान के केवड़ा देव घाना पक्षी विहार में। इसके अलावा उनको ऐसी क्लाइमेट के, हालांकि राजस्थान गर्म प्रदेश है, उसके बाद भी पता नहीं क्या वहां की ऐसी जलवायु है कि किस वजह से, भाई साइबेरिया ठंडा प्रदेश है तो वहां के जो पक्षी हैं किसी ठंडे प्लेस में जाने चाहिए। लेकिन एक अपवाद है कि राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में लोकेशन होने के बाद भी जो है यह क्षेत्र जो है साइबेरियन पक्षी के निवास के रूप में जाना जाता है ना? यहीं पे अगर रुकते हैं, इसके अलावा भारत में कहीं नहीं रुकते हैं। तो परीक्षा दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, केवड़ा देव घाना पक्षी विहार कह लीजिए या घाना पक्षी विहार कर लीजिए, राजस्थान में भरतपुर में, और साइबेरियन सारस के शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज आइए, सरिस्का। सरिस्का की बात करिएगा तो सरिस्का अभयारण्य जो है अलवर, अलवर राजस्थान में इसकी लोकेशन है, और इसकी भी लोकेशन, यह क्षेत्र भी जो है आपका भारतीय बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है किस जिले में है, तो अलवर बता दीजिएगा, राजस्थान में। ठीक है, ये तो है उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण, उत्तर भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, है ना? प्रायद्वीपीय भारत में आइएगा, गुजरात के नीचे आपका कौन सा आता है क्षेत्र? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करिएगा तो यहां से भी दो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। महाराष्ट्र से आपके एक मिलता है आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, है ना? बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपका है एक टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, है ना? और एक आपका आता है पेंच अभयारण्य। और एक है आपका तनसा वन्य जीव विहार क्षेत्र। तनसा वन्य जीव विहार क्षेत्र, चार चीजें आपको यहां से मिलती हैं, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपका होगा, बोरीवली पूछा गया है और टडोबा पूछा गया है ना? मैचिंग करने के लिए विशेषताएं कुछ बहुत ज्यादा इसकी नहीं है, मैचिंग वाले ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो ये चारों की लोकेशन केवल ध्यान रखिएगा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच अभयारण्य और तनसा वन्यजीव विहार क्षेत्र, दोनों की लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। चारों की लोकेशन आपके कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए परेशान मत होइएगा, डिस्ट्रिक्ट आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप गूगल पे या बुक में आप सर्च कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक चीज आपको और बता दें, जो ये पेंच अभयारण्य है ना, पेंच अभयारण्य दो है, एक ही नाम के दो अभयारण्य है। एक आपका पड़ता है यहाँ पर महाराष्ट्र में, और एक आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में भी। तो जैसा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में हो सकता है कि दोनों तो देने की संभावना नहीं है, कोई एक ऑप्शन रहेगा, चाहे आपका महाराष्ट्र रहे चाहे मध्य प्रदेश रहे, और बाकी तीन अन्य राज्यों का नाम देगा। अगर पूछता है कि पेंच अभयारण्य किस राज्य में है, तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि सर ने बताया है कि महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं देता है, एमपी देगा, तो आप एमपी को क्या करिएगा, लगा सकते हैं, कोई आप में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है ना, महाराष्ट्र तक क्लियर हो गया आपका। महाराष्ट्र तक चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, और अब एक आपका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोवा में।
संभवतः कल यहाँ पे चर्चा हुई थी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जयपुर में है और इसी नाम से एक हमने पक्षी विहार बताया था, सलीम अली पक्षी विहार ना, तो सलीम अली पक्षी विहार की लोकेशन जो है सलीम अली पक्षी विहार, नाम सेम होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है कभी कभी। सलीम अली पक्षी विहार पूछेगा, गोवा बताइएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये यही पूछा जाता है। जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात हो तो उसकी लोकेशन जो आपकी कहाँ पे होगी, तो जम्मू कश्मीर में होगी, है ना। गोवा के बाद दक्षिण में आएंगे तो एक राज्य आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटक में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको मिल सकती हैं, जैसे एक आपका यहाँ मिलेगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान। एक आपका आता है रंगाथिट्टू पक्षी विहार, रंगाथिट्टू पक्षी विहार, डंडेली वन, वन्य जीव विहार, है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, डंडेली वन वन्य जीव विहार क्षेत्र, वनहट्टा राष्ट्रीय उद्यान और रंगाथिट्टू पक्षी विहार। कर्नाटक से मिलने वाले ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक आपका आता है भद्रा अभयारण्य करके है यहीं पे, भद्रा अभयारण्य चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो भाई जाहिर सी बात है दक्षिण भारतीय राज्य है तो दक्षिण भारत के जैसा नाम भी होगा, अजीबोगरीब नाम आपको मिलेंगे जो कि जल्दी आपको याद नहीं होते हैं। परेशान मत होइएगा, सब याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है, इसकी लोकेशन जो है वो आपकी पड़ती है मैसूर में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान, वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है बंगलुरु में, है ना, वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपका बंगलोर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका मैसूर में है, मैसूर को ध्यान रखिएगा। बांदीपुर की विशेषता है कि यहाँ पे भारतीय शेरों का, इंडियन टाइगर्स का जो है संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो बंगलोर में स्थित है, बंगलौर में इसकी लोकेशन है, और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में एक चीज ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारतवर्ष में केवल एक जगह तितलियों का संरक्षण किया जाता है, बटरफ्लाई कंजर्वेशन केवल आपका कहाँ पे होता है, एक जगह होता है, और वो आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लोकेशन पूछी जाती है बंगलौर बता दीजिएगा, किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो तितली के संरक्षण के लिए जाना जाता है। रंगाथिट्टू पक्षी विहार भी, इसकी भी लोकेशन मैसूर में ही है ना, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा डंडेली वन वन्य जीव विहार क्षेत्र और भद्रा वन्य जीव विहार क्षेत्र कुछ अन्य अभयारण्य जो है आपके कर्नाटका राज्य के होंगे, है ना। चलिए, कर्नाटक के बाद गोवा हो गया, गोवा बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद दक्षिण में आइएगा केरल का क्षेत्र आता है, एकदम दक्षिण पहुंच गया है केरल। भूगोल ऐसा एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आप घर में बैठकर भारत के जितने भी 28 राज्य हैं लगभग सभी जगह आपने क्या किया, घूम लिया बिना पैसा के ना, पैसा भी नहीं लगा, हरासमेंट भी नहीं हुआ, और आज से कल तक जो है, अभी कल आप जम्मू कश्मीर में थे, अब आप कहाँ पहुंच गए हैं, केरल राज्य में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये 24 घंटे में आपने पूरा भारत भ्रमण कर लिया है, यह एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा सब्जेक्ट है। देखते हैं सर, तितली का संरक्षण किस अभियान में होता है, यही है वनरहट्टा है आपका भरतपुर। रूस का पूर्वी एरिया, हाँ रूस का पूर्वी एरिया है आपका, साइबेरिया कहलाता है, पहले चर्चा हो चुकी है सर। जो प्लेलिस्ट में भी है उसमें 15 क्लास है,
हाँ 15 है, तो ऐसा है कुछ क्लास को मैंने अभी ऐड नहीं किया है, चलते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जो आपके शेष बाद के क्लास आपके हैं वो मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ ना, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। शाम तक 8-9 बजते बजते रात में देखिएगा आपका सब, वो आपका सब क्लासेस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में ना, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट होगी। ये क्या है, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है बोरीवली, प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो सारी वीडियो नहीं मिल रही है, मिल जाएगा परेशान मत होइए, केवल रात तक का आप 10 बजे तक का वेट कर लीजिए, सब चीज़ें ओके हो जाएंगी वहाँ पे ना, अपडेट नहीं किए हैं। राजीव गांधी, राजीव गांधी कहाँ पे, कुद्रेमुख की खान है आपकी ना, कुद्रेमुख की खान लॉ एस के लिए फेमस है। हाँ केरल चला जाए, घूम के आ गए सर, इतने दिनों में कई बार आपने भारत भ्रमण करवा दिया है, चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद। चलिए ठीक है ना, तो सब चीजें आपकी ओके है ना। अब चलते हैं केरल में, केरल की क्या स्थिति है, केरल में आपको तीन, मैं आपको बता रहा हूँ, तीन के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, तीन चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। सबसे पहले एक आपका आता है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये बड़ा भाई है ना, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान बड़ा भाई है, इसका एक इसकी एक छोटी बहन भी है, कौन है उसका नाम, परवीकुलम, दोनों भाई बहन हैं। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, परवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, दोनों भाई बहन होंगे और इन्हीं का एक छोटा भाई है जिसका नाम है पेरियार, पेरियार अभयारण्य है ना, इरविकुलम परविकुलम दोनों भाई बहन हैं, इनका एक छोटा भाई है पेरियार अभयारण्य जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए पेरियार अभयारण्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिलान करने के लिए दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और पेरियार अभयारण्य की जो विशेषता है, विशेषता क्या है इसकी, कि यह अभयारण्य जो है जंगली हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए पेरियार अभयारण्य आपका जाना जाता है। और जंगली हाथियों का संरक्षण एक जगह और होता है भारतवर्ष में, आप चले जाइएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, हमने कल बताया था आपको राजा जी उद्यान है ना, राजा जी उद्यान उत्तराखंड और एक आपका जो है पेरियार अभयारण्य जो है आपका केरल में है, इन दोनों जगह जो है जंगली हाथियों का संरक्षण किया जाता है और दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान परविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को मैचिंग में आपको रखता है ना, मिलान करने में आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका फिलहाल क्या करिएगा, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, बहुत ज्यादा राज्य आपके लिए बचे हुए हैं, लगभग हम लोग अपने समाप्ति पर चल रहे हैं इस टॉपिक के ना, चलिए तो ये भी आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है, चलते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आपका उठता है, तमिलनाडु में एक पक्षी विहार आपका आता है जिसका नाम है वेदांतगल, पक्षी विहार है ना, वेदांतगल पक्षी विहार की लोकेशन आपकी तमिलनाडु राज्य में है, इसकी भी लोकेशन आपसे पूछी जाती है, इसकी कोई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसकी कोई विशेषता नहीं है। वेदांतगल पक्षी विहार की लोकेशन, रंगाचट्टू पक्षी विहार की लोकेशन, चंडीगढ़ में आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार की लोकेशन हमेशा पूछी जाती है, इनकी विशेषताएं आपकी नहीं के बराबर है, हाँ मैचिंग करने के लिए आपको दिया जाता है। तो एक तो आपका वेदांतगल पक्षी विहार हो गया और एक आपने बताया मुकुर्थी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये दो क्षेत्र जो है आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पूछे जाने की संभावना इनकी ज्यादा होती है, ठीक है।
और एक लास्ट हम यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको बता दें, यहाँ पे एक है जो कि हमेशा पूछा गया है और यदाकदा आजकल की भी एग्जामिनेशन में जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। चंडीगढ़ में एक है आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पक्षी विहार यही है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऑप्शन में आपको चार क्षेत्र देगा, चार राज्यों का नाम देगा, उत्तर प्रदेश देगा, बिहार देगा, चंडीगढ़ देगा और एक राजस्थान देगा, है ना। पूछता यह है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। आप सोचते हैं कि सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर नाम का एक जिला है उत्तर प्रदेश में, आप परिचित होंगे, तो बहुत की थिंकिंग ये होती है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार तो कहीं ना कहीं इसका संबंध क्या होगा, उत्तर प्रदेश से होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं उत्तर प्रदेश लगाते हैं, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ आपको मालूम है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में भी आता है ना। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे बताना था संभवतः ये चीजें आपकी इस टॉपिक के अंतर्गत वह क्लियर हो चुकी हैं। कुछ फैक्ट है उसको ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, है ना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण भूमि क्षेत्र का 33%, संपूर्ण भूमि क्षेत्र का, गांधी सागर आपका वही एमपी में होगा, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है नर्मदा पे एमपी में, और उसी के नाम पे जो है एमपी में ही इसकी लोकेशन है, अभयारण्य वहीं पे है ना। तो ये बता रहा था कि यदि आप चाहते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे तो यह आवश्यक है कि संपूर्ण भूमि क्षेत्र का लगभग 33% भाग जो है ना, जो पासिंग मार्क्स है वो वन से क्या हो जाना होने चाहिए, आच्छादित होने चाहिए, वन से ढके हुए होने चाहिए, तभी हमारा पारिस्थितिकी संतुलन क्या होगा बना रहेगा। 2018 तो 18 में आई थी ना, 16 सॉरी, अभी जो नवीनतम वन रिपोर्ट आई है, अब 18 या 19 मुझे इससे में ध्यान नहीं आ रहा है, जो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट है उसके आधार पर पूरे भारतवर्ष में लगभग 24.67% जो है आपका वन आवरण है। वन रिपोर्ट पर चर्चा हो चुकी है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपका मौजूद होगा, इसको अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि 33% आपका होना चाहिए पूरे क्षेत्रफल का, 32,87,263 भारत का कुल क्षेत्रफल है, इसका 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वन का विस्तार होना चाहिए, लेकिन है कितना, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 24.67% होगा, है ना, जो कि अभी भी 9% कम है। ये चीज अब क्लियर हो गई। सर्वाधिक वनों वाला राज्य अगर पूछा जाए एमपी बता दीजिएगा, हाँ सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश 2018 है ना। तो जितनी चीजें मुझे बतानी थी इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और कौन सी चीजें किस लिए प्रसिद्ध हैं साथ साथ में वह भी चर्चा हो चुकी है, मुझे लगता है कि अलग से उसको बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल वीडियो लंबा होगा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रिफ्रेश हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार रहिएगा रैपिड फायर राउंड के लिए ना, जो आपका क्लास के अंत में चलता है, ठीक है। चलिए सब चीज ओके है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए। फिर आपसे नदियां, परियोजना, झीलें, है ना, और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन भी देखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव। महादेव, चलिए ठीक है, शुभारंभ करते हैं आज के इस लाइव क्वेश्चन का, जिसमें कि आप लोग रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए टॉपिक वाइज। जी हाँ, आप लोग इस सेक्शन में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, इससे मेरा उत्साह भी बढ़ता है ना, जितना अच्छे से आप लोग साथ देंगे उतना जो है अच्छे से मैं भी क्वेश्चन सेटअप कर सकता हूँ ना। चलिए, हाँ शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है,
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी? मंजरी वर्मा, वेरी गुड। ताप्ती, ताप्ती नदी। सबसे लंबी नदी नर्मदा है, नर्मदा नर्मदा के बाद आपकी ताप्ती नदी है। कृष्णा नहीं होगी, रितेश श्रीवास्तव। कृष्णा तो पूरब में जाती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी है ना। काकरा पार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरा पार, सॉरी, एक नदी परियोजना नहीं है, इसको कैंसिल कीजिए ना, ये आप इसको हटा दीजिए। उकाई जल विद्युत परियोजना, उकाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? अभिषेक शर्मा, मंजरी वर्मा, दोनों ही लोग का सही है। ताप्ती नदी, इसकी लोकेशन उकाई जल विद्युत परियोजना की लोकेशन गुजरात राज्य में है और यह जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। तापी या ताप्ती ना। चलिए नेक्स्ट। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रितेश कुमार श्रीवास्तव, मंजरी वर्मा, शंभुनाथ, तीनों ही लोग, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात की लोकेशन भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट आपका कहाँ पड़ता है? तो एमपी में है और नर्मदा। जी हाँ, शिव कुमार यादव, नर्मदा। शुभम, सभी लोग का उत्तर सही आपका आ रहा है। लोकेशन मध्य प्रदेश में, इसकी लोकेशन है नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। बहुत ही अच्छा प्लेस है देखने लायक। मतलब इस क्षेत्र में धुआंधार जलप्रपात या जो आपका भेड़ाघाट का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में नदी जो है वो संगमरमर की चट्टानों के बीच से प्रवाहित होती है। देखने में बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। प्राकृतिक स्थान है, एक बार चले जाइएगा तो फिर वापस लौटने का मन। हाँ, जबलपुर में है ना, जबलपुर में इसकी लोकेशन है भेड़ाघाट। नेक्स्ट, अगला बताइएगा। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एक बार जाइएगा जरूर, ठीक है। कुंचिकल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा स्थान है घूमने फिरने का। नौकरी लगती है, सर्विस लगती है, तो जब पहली सैलरी मिलेगी तो बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के बाद जो है सीधे दूसरी सैलरी में सीधे वहीं जाइएगा ना। कुंचिकल वाटरफॉल किस नदी पर है? कुंचिकल वाटरफॉल सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, किस नदी पर है? नदी का नाम आपको बताना है। चर्चा हो चुकी है, दो जलप्रपात हमने आपको बताया है, एक जोग प्रपात है और एक कुंचिकल वाटरफॉल है ना। संभवतः आप लोग का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम जरूर है। हाँ, एक तो हमने बताया है जोग प्रपात और एक है कुंचिकल। जोग प्रपात आपका पड़ता है शरावती नदी पर, लोकेशन इसकी है कर्नाटका में, है ना। चलिए कोई बात नहीं। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है, जबकि कुंचिकल वाटरफॉल ये आपका पड़ता है वाराही नदी पर और ये आपका है ये भी कर्नाटक में है। दोनों जलप्रपात दक्षिण भारत में है। एक की विशेषता है, जोग प्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात का उदाहरण है। जोग प्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, जबकि कुंचिकल वाटरफॉल जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात का उदाहरण है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। हाँ नेक्स्ट। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? अभिषेक शर्मा, वेरी गुड। लोकटक, लोकटक झील की लोकेशन मणिपुर में है ना। पूर्वोत्तर भारत की सात बहनों के प्रदेश में शामिल एक झील है आपकी, मणिपुर में लोकेशन है, इसका नाम है, नहीं चिल्का गलत हो जाएगा, मंजरी वर्मा, चिल्का गलत है, लोकटक झील है, लोकटक की लोकेशन आपकी मणिपुर में है। कैस्पियन सी तो पूरे विश्व की बात हो जाएगी ना, हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की सात जो सेवन सिस्टर में आपका मणिपुर में लोकेशन है। नहीं भाई, आप लोग गलत जा रहे हैं, लोकटक झील है, लोकटक, लोकटक की लोकेशन मणिपुर में है और सात बहनों के प्रदेश में जितनी भी झील आपकी शामिल है ना, सात बहनों के प्रदेश में जितनी भी झीलें शामिल हैं उसमें सबसे बड़ी झील आपकी जो है मीठे पानी की लोकटक झील है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसी झील में एक वो आपका है, क्या कहते हैं उसे, केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। लोकटक झील में ही केवल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है। कई बार चर्चा हुआ है, ऑफलाइन क्लास में भी हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस में भी चल रहा है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोकटक झील सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट, किस झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है? किस झील को रहस्यमय झील के नाम से भी पुकारा जाता है? मिस्ट्री लैक्स, मिस्टीरियस लैक्स, मिस्टीरियस लैक्स, यूके में तो है, नाम बताइए। हाँ, अभिषेक शर्मा, वेरी गुड। अर्चिता शर्मा, वेरी गुड, दोनों लोग सही हैं। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील की लोकेशन आपके उत्तराखंड में है और यहाँ पर जो है मानव के अस्थि पंजर पाए जाते हैं, अस्थि कंकाल पाए जाते हैं, शंभुनाथ। चलिए ठीक है, आप सभी लोग का उत्तर सही है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील का नाम बता दीजिए। हाँ, उत्तराखंड, सभी लोग का, प्रदीप गुप्ता, शुभम यादव, आप दोनों लोग का सही, उत्तराखंड में है रूपकुंड झील ना। सबसे बड़ी झील अकॉर्डिंग टू एरिया, भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं है, हो जाता है जल्दीबाजी में। हाँ, अभिषेक शर्मा, क्षेत्रफल, अर्चिता, दोनों ही लोग का सही है, तीनों ही लोग का, चारों लोग का, सबका, सभी लोग का सही है। चिल्का झील उड़ीसा में लोकेशन है और यह क्षेत्रफल की सबसे बड़ी, मतलब चाहे मीठे पानी की झील हो चाहे खारे पानी की झील हो, दोनों ही दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झील है। जबकि जम्मू कश्मीर की वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का उदाहरण है। ये सब चीजें, हाँ, चिल्का झील। और एक जानकारी के लिए एक बात और आपको बताए होंगे कि यहीं पे इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना में जो नए रिक्रूट होते हैं, नए लोग की भर्ती होती है, वह उनका ट्रेनिंग सेंटर भी आपका कहाँ पे है, तो चिल्का झील में ही उनको ट्रेनिंग यहीं पे कराई जाती है, चिल्का में ही कराई जाती है ना। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप की लोकेशन किस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है? श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। हाँ है सर, ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, पढ़ाए ना। आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। अर्चिता शर्मा, अभिषेक शर्मा, शंभुनाथ, कर्नाटक, क्या पूछे थे भाई, आप तो गड़बड़ कर दिए। नहीं, कर्नाटक नहीं है, क्या पूछे थे, भूल गए। हाँ, हरिकोटा ना, हरिकोटा द्वीप जो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश के नियंत्रण में है, आंध्र प्रदेश के नियंत्रण में है। और यह क्षेत्र आपका, यह द्वीप जो है आपका फेमस किस लिए है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए जाना जाता है, यहाँ से सैटेलाइट का परीक्षण होता है और जो मौसम उपग्रह आपके हैं यहीं से भेजे जाते हैं, श्री हरिकोटा से। कभी कभी चीजें दिमाग से उतर जाती है, क्या पूछा गया है ना। हाँ, नेक्स्ट, पोखरण कहाँ पे है? पोखरण बता दीजिए, बहुत ही चर्चित, हमेशा चर्चित रहता है पोखरण।
पोखरण कहाँ पे है? पोखरण, अभिषेक शर्मा, हाँ अर्चिता शर्मा, राजस्थान। चलिए समूह राज्य, सभी लोग का उत्तर सही है। पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ रितेश जी, हाँ सभी लोग का आपका सही है ना। पोखरण की लोकेशन आपके राजस्थान में है। और एक चीज आपको बता दें, यह क्षेत्र आपका फेमस है किस लिए? परमाणु परीक्षण के लिए। भारत ने अब तक के इतिहास में 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। आपको बताया गया होगा, अब तक के इतिहास में भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है। एक किया था 1974 में, 1974 में, और एक आपने किया था 1998 में। यह दोनों ही परीक्षण कहाँ पे हुए थे? तो राजस्थान के स्थान पोखरण में हुए थे, है ना। राजस्थान के स्थान पोखरण में हुआ था। और पहली बार जब भारत ने परीक्षण किया था उस समय कौन प्रधानमंत्री था, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे अभी बताइएगा। पहली बार, दूसरी बार तो हम बता दे रहे हैं कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी बार जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1974 में जब हुआ था उस समय कौन था? नहीं, अटल जी तो 1998 में थे, 1974 में कौन था? अटल जी नहीं थे भाई, मेरे गलत हो रहा है। 1900 जब भारत ने पहली बार प्रधानमंत्री परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, तब कब थी? वेरी गुड, मंजरी वर्मा सही है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में कांग्रेस की सरकार थी। और 1974 में उस समय आपका जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका कोड था, कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, है ना, बुद्ध मुस्कुराए, ये जो है आपका कोड था। कोडिंग की जाती है जब कोई कॉन्फिडेंटल चीज की जाती है सेना की तरफ से, तो उसकी कोडिंग के रूप में रखा जाता है कि ताकि चीजें लीक ना होने पाए। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि भूतपूर्व राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति कह लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों ही भूमिका में, मतलब दोनों ही परीक्षण में, चाहे 1974 का परमाणु परीक्षण हो और चाहे 1998 का परमाणु परीक्षण हो, दोनों में ही जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न कभी कभी, चूंकि भारत का इतिहास रहा है, गौरवमय इतिहास रहा है, इसलिए पूरी संभावना है कि एक दो क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तीन चीजें हमने आपको बताई, एक तो श्रीहरिकोटा बताया जो कि आंध्र प्रदेश में है, द्वीपीय क्षेत्र है, उपग्रह प्रक्षेपण के लिए फेमस है। एक आपका पोखरण है जो राजस्थान में पड़ता है, परमाणु परीक्षणों के लिए फेमस है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहीं पे, चांदीपुर, चांदीपुर की लोकेशन जो है वह पड़ती है उड़ीसा राज्य में, और यह फेमस है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के रूप में। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के रूप में यह आपका क्षेत्र जाना जाता है, चांदीपुर। तीनों स्थान पूछे जाते हैं। इसी के साथ एक चीज और लिख लीजिएगा, थुम्बा, थुम्बा आपका पड़ता है कहाँ पे? केरल में। ये दोनों क्षेत्र रॉकेट के लिए फेमस है, रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। पोखरण फेमस है आपका परमाणु परीक्षण के लिए। और एक ही हमने बताया आपको, श्री हरिकोटा आंध्रा में इसकी लोकेशन है, और यह फेमस है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में ना। तो ये सभी चीजें आपसे, श्रीहरिकोटा हो गया, पोखरण हो गया, थुम्बा हो गया, चांदीपुर हो गया, यह सभी चीजें इनकी लोकेशन या तो आपसे पूछा जाएगा या फिर पर्टिकुलर किस लिए जाने जाते हैं वो आपसे पूछा जाता है ना। तो इस चीज को आप क्या करिएगा, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा ना। चलिए अच्छी बात है, आपका स्वागत है, पहली बार आए हैं, और पूरी तरह से जो है लगे रहिए। शाम के समय 1 घंटे का समय आपका होता है, थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाता है, और ज़्यादा इससे कोई आपको बहुत बेनिफिट नहीं है, लेकिन यह है कि कंटिन्यू लगे रहिएगा तो बहुत चीज़ें आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा कि किस द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? कलाम द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है।
कलाम द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? कलाम द्वीप। कलाम द्वीप रितेश कुमार श्रीवास्तव। द्वीप की बात हो रही, झील की बात नहीं हो रही है। हाँ वेरी गुड। अभिषेक शर्मा विलर है ना, विलर द्वीप। अभिषेक शर्मा, खुशी कुशवाहा, विलर द्वीप, दोनों ही लोग का सही है। विलर द्वीप के बारे में चर्चा हो चुकी है। उड़ीसा राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। इसी द्वीप पर चांदीपुर प्लेस था और इसी द्वीप का नाम हाल ही में चेंज करके जो है एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कलाम द्वीप रखा गया था, है ना। तो ये चीज, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके संभावित होते हैं हमेशा, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप बता दीजिएगा। कलाम द्वीप ना, कलाम द्वीप के रूप में मिसाइल वोमेन कौन है? मिसाइल मैन तो सब लोग जानते हैं, मिसाइल मैन आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वोमेन कौन है, मिसाइल महिला? मिसाइल महिला बिल्कुल श्याम जी, टेथी थॉमस, वेरी गुड। अभिषेक शर्मा सही है, बिल्कुल सही है। दो व्यक्तियों का नाम आता है, देखिए एक तो महिला है, इनका नाम है टेथी थॉमस, केरल से बिलोंग करती हैं, और एक आपके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इनको कहा गया है मिसाइल पुरुष या मिसाइल मैन कह लीजिए, और इनको कहा जाता है मिसाइल महिला। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, दोनों आपसे पूछे जाते हैं। कारण इसका यह है कि दोनों का भारत ने जितने भी अग्नि श्रेणी की मिसाइलें तैयार की हैं, चाहे वह अग्नि एक हो, अग्नि दो हो, अग्नि तीन हो, हाँ अग्नि चार हो, सभी में इन दोनों का बराबर का योगदान रहा है, इसीलिए जो है इनको यह उपनाम दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए सेशन आपका ज्यादा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है ना। तो सोचते हैं कि आज जो है, आज का सेशन यहीं पे क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, क्लासेस आपके ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी आपने जो है पढ़ा है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का सेक्शन, आपने आपका पूरा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा होनी चाहिए, अगला जो आपका होगा भारत के खनिज से संबंधित चीजें, कि कहाँ पे कौन सी चीज का वितरण पाया जाता है, और यहाँ से आपकी संभावना एक दो क्वेश्चन मिलती है। तो आज के लिए फिलहाल चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल मैं सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल आपसे मुलाकात होगी, टाइमिंग आपकी यही रहेगी, टाइमिंग शाम को 5:30 बजे से काट दिया, 5:30 या फिर 5 जैसा होगा, इन्हीं दो क्लासेस आपको रहते हैं, या तो 5 बजे से या फिर 5:30 बजे से, ज्यादा डिले आपका नहीं होगा ना। चलिए फिलहाल के धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए महादेव, चलिए।